अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने नए YouTube चैनल लाइसेंस पीके के साथ हाज़िर हूँ। सलीम गुजर नाम है मेरा। जैसा कि आप मेरे यूनिफॉर्म से अंदाज़ा लगा सकते हैं, CTP गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक है। तो आज मैं बहुत ही अहम वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हर जब भी कोई लर्नर बनाता है तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि सर नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, हमने क्या करना है। इस हवाले से वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि लर्नर के 42 दिन पूरे होने के बाद, जब आपका लर्नर 42 दिन आप सीख लेते हैं, उसके बाद क्या प्रोसीजर करना है, फ़ाइल कैसे बनानी है और फ़ाइल बनवाने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ। कॉपी पेंसिल हाथ में ले लें ताकि बार बार आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाज़ुकात ऐसा होता है कि बंदा फ़ाइल जमा करवाने जाता है, लाइन में खड़ा होता है, जब फाइलें जमा होती हैं तो कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो उसका बेचारे का सारा दिन ज़ाया हो जाता है। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए आप लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर पे आपने अपना लर्नर परमिट जो है वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, वो लेके जाना है साथ। उसके बाद फॉर्म ए और फॉर्म बी। फॉर्म बी क्या है जी? मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये आपने किसी भी MBBS डॉक्टर से आप करवा सकते हैं। इसके लिए हमारा पुलिस हॉस्पिटल शेखपुरा मोड़ पे हॉस्पिटल है, वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। DHQ, THQ से भी करवा सकते हैं। फॉर्म बी हो गया। उसके बाद आपने दो आईडी कार्ड की फ़ोटो कापीज़ करवानी है, वैलिड आईडी कार्ड हो, एक्सपायर ना हो। वैलिड आईडी कार्ड की दो कापीज़, दो पासपोर्ट ऑफ साइज़ तस्वीर और एक कोरोना सर्टिफिकेट की फ़ोटो कापी, ये ले जानी है। इसके साथ आपने टिकट से उसके बाद आ जाता है। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट की माद में टिकट्स जो लगनी है, अगर आप बनवाने जा रहे हैं सिर्फ मोटरसाइकिल का या सिर्फ कार का, तो उसके लिए 150 की टिकट्स लगेंगी। अगर MC प्लस कार है, MC LTV है, तो उसके लिए 200 की टिकट्स लगेंगी। ये टिकट्स लगाने के बाद आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। फ़ाइल जमा करवाने के लिए आपने मेन लाइसेंस ब्रांच वादत कॉलोनी चले जाना है। सुबह 8 बजे हमारा फ़ाइल जमा करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फ़ाइल जमा होगी, वो आपको एक टोकन इशू करेंगे। उस टोकन के हवाले से वो आपको गाइड कर देंगे कि कल का या परसों का जो भी डेट देंगे, उस टाइम और उस डेट को आपने हमारी मेन ब्रांच, लाइसेंस ब्रांच वादत कॉलोनी पहुँच जाना है। वहाँ पे हम साइन टेस्ट होगा, ई साइन टेस्ट, और उसके बाद रोड टेस्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने ई साइन टेस्ट कैसे पास करना है, उसके टिप्स बताऊँगा, और इसी तरह रोड टेस्ट का बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप बर वक्त अपनी वीडियोज़ देख सकें। शुक्रिया जी।